नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। दोस्तों आज मैं शौचालय केयर टेकर की एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप अगर मेरे चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट पे पहली बार हैं या देखते रहें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों अपडेट क्या है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दोस्तों जिला पंचायत राज अधिकारी अमित त्यागी ने बताया कि वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा अपनी उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा इंट्री ऑपरेटर की भांति सामुदायिक शौचालय केयर टेकर एवं सफाई कर्मियों का ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों जिसमें ग्राम पंचायत में स्थापित ग्राम सचिवालय पंचायत भवन से ग्राम पंचायत में कार्यरत समस्त सफाई कर्मियों एवं सामुदायिक शौचालय केयर टेकर की हाजिरी पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भांति ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें ऑनलाइन हाजिरी से मुक्ति पाने के लिए मांग उठाई गई है। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों बात यह है कि लखीमपुर खीरी पंचायत राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी से मुफ्त रखे जाने की मांग को लेकर DM को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि सफाई कर्मी फील्ड में रहते हैं, पंचायत भवन सुबह 10 बजे खुलता है, सफाई कर्मियों की ड्यूटी सुबह 7 बजे से है, पंचायत सहायक की ड्यूटी पर आने पर सफाई कर्मचारियों की हाजिरी नहीं लग पाएगी। अधिकांश सफाई कर्मचारी स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। एक ग्राम पंचायत में कई मजरे होने के कारण पंचायत भवन पर उपस्थित होना संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान में लगभग 20,000 सफाई कर्मचारी हैं जो ब्लॉक, तहसील, जनपद, मंडल, प्रदेश शासन और प्रशासन स्तर तक आवास कार्यालय पर संबद्ध हैं। ऐसी उपस्थिति में ऑनलाइन हाजिरी संभव नहीं है। सफाई कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी में अनेकों प्रकार की समस्याओं को सामना करने पड़ेंगे। संगठन ने मांग की कि सफाई कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी से मुफ्त रखा जाए और ज्ञापन भी दिया है। तो दोस्तों ये सही भी है, जहां सफाई कर्मियों की ड्यूटी 7 बजे से है और पंचायत भवन 10 बजे खुलता है तो उन्हें ऑनलाइन हाजिरी लगाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है ऐसा इन्होंने कहा कि अब हमारी हाजिरी ऑनलाइन ना ली जाए क्योंकि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो आप लोगों को भी अगर ये सही लगता है कि ऑनलाइन हाजिरी ना लगे तो आप लोग ज़रूर इसके लिए ज्ञापन दीजिए जैसे कि सफाई कर्मियों ने दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सबके पास यह पहुंच सके और सब इस जानकारी को ले सकें और अपनी समस्याओं का निवारण भी कर सकें। और ऑनलाइन हाजिरी में अगर आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर इसके लिए आवाज़ उठाइए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।